उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 56वें दिन भी जारी रहा, जिसमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधकर संदेश दिया कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा भाई राखी की लाज को रखते हुए हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेगा। आज हम परेशान होकर योगी जी को राखी बांधकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मोदी तक पहुँचाएंगे कि भैया आपकी बहने धरना प्रदर्शन पर जगह जगह सड़कों पर हर जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में धरना कर रही हैं। हर आंगनवाड़ी की यही इच्छा थी कि योगी जी सत्ता में आए और अपनी बहनों के दुख दर्द को सुने। बार बार आग्रह करके थक चुके हैं, योगी जी से रिक्वेस्ट करके हम थक चुके हैं और आज भी हम बहुत ही विनम्रता के साथ अपना बड़ा भाई मानते हुए उनकी यहाँ पे बहनें कोई छोटी है कोई बड़ी है सभी उपस्थित हैं, सभी भाई के रूप में योगी जी को आज राखी बांधेंगी और अपनी वाणी से अवगत कराएंगी कि मेरे भाई अब तो अपनी बहनों की आवाज़ सुन ले। अगर अब भी इन गरीब बहनों की आवाज़ योगी जी नहीं सुनते और नहीं उस पर अमल करते धारण करेंगी। ये एक महिला ही नहीं, ये एक उग्र रूप धारण अगर कर लेती है तो ये लक्ष्मी भी है और महाकाली भी है। ये अच्छी बात है क्योंकि हम जो है बीजेपी के फेवर में होकर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी लिखा था हमने उस पर 100% विश्वास जताया था और इसलिए हमारा पूर्ण समर्थन था इनको लाने में और हमें ये उम्मीद थी कि हमें धरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप जो न्यायोचित हमारी मांग है उसको इन्होंने जैसा कि वादा किया था 120 दिन के अंदर में पूरा कर देंगे, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि 120 दिन के अंदर में हमारी मांगें अपने आप पूरी हो जाएंगी और हमारी भावनाओं की कदर करें, हमारी मजबूरी समझें, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और योगी एक भाई हो सकता है, जैसा कि बताया गया है कि योगी एक भाई हो सकता है और अपनी बहनों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो आश्वासन देंगे ही, लेकिन हम फिर भी अपने मन को नहीं हार रहे हैं। हमने अपने मन को अब भी खड़ा किया हुआ है कि किसी भी तरह हमारी बात योगी जी तक पहुँच जाए और योगी जी हमारी बात को सुने और हमें अच्छा आश्वासन दें।